हाईवे बहुत ही गजब के बनाए हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही गजब के। ये देखिए प्रसूता उड़ते हुए जा रहे हैं बिल्कुल। निकाल दो जैकेट, ये लो। लंबरगिनी चलाई चने ओ, सानू भी छुट्टा दे दो, कत्थे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। सो ऑल सेट फॉर टुडेज जर्नी। हम निकल रहे हैं हैदराबाद, और कल का मीटअप काफ़ी अच्छा रहा और राइड भी बहुत ज़बरदस्त रही। तो आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जाकर देखिए। सारा सामान पैक हो चुका है, बस मुझे फ़ोन रखना है और पावर बैंक। तो आज हमारे साथ राइड करेंगे प्रथुदा। जैसा कि आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा कि प्रथुदा और मैंने काफ़ी सारी राइड्स करी हैं। तो बेसिकली राइड करके आए हैं वो हैदराबाद से नागपुर स्पेशली हमारे लिए, कि साथ में राइड करनी है। चले। सो रात का जो स्टे था वो था हमारा ओयो के टाउन हाउस में, जो कि नागपुर में है। और सब कुछ रेडी कर चुके हैं, बाइक्स लोड कर दिए हमने, शूट नहीं किया, टाइम लैप्स वगैरह बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि आगे काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, एक छोटी सी ब्रेकफास्ट राइड कर रहे हैं आगे तक नागपुर राइडर्स के साथ, और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे क्योंकि प्रथुदा भी अपनी टाइगर पर आ चुके हैं और एक भाई और है। और ये रहे हमारे प्रथुदा और सचिन भाई। ऑल सेट सचिन भाई। और ये नए नए कलर, नए नए कलर। हाँ बस बढ़िया बढ़िया। कैसी नींद? अरे जबरदस्त, होश ही नहीं था। यार अच्छा लगा तुमसे मिलके, वहाँ का इतने दिनों बाद, 6 महीने बाद मिल रहे हम, है ना? आगे जो ब्रिज है हम लोग कर रहे हैं, दादा बोले कि लीड कर लो, तो हम लोग लीड करते हैं। और वो जो ब्रिज है ना वो 8 वाला है, ऐसे गोल घूम के, ऐसे घूम के जो 8 बनाते हैं ना, यू कैन टेक दैट ड्रोन। और हां अच्छा आएगा उधर, सब रेडी करते रहेंगे तो और भी अच्छा दिखेगा। या तो आप रुक के, या तो मुझे रुकना पड़ेगा ना शॉट लेने के लिए। आप चाहिए कैसे करते हैं फिर, खड़े होकर निकल लेंगे? हां खड़े होकर ले सकते हैं, चलेगा। चल भाई, ओके भाई लोग, थैंक यू फॉर कमिंग। सेम हेयर भाई, चल भाई आराम से जाना, ठीक, बाय बाय। चल भाई मिलते हैं फिर दोबारा कहीं हाईवे पे। चल थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा सर। चले बिल्कुल, चलो हैदराबादी बिरयानी खाने का बोले तो। दादा खिलाएंगे हैदराबादी बिरयानी रात के 12:30 बजे। तो भाई साहब आज की जो एक्चुअल जर्नी है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। हाँ 470 किलोमीटर्स हमें जाना है और टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 10:08।
तो लस्सी वगैरह पी हमने ढाबे पर जहाँ पर अभी रुके थे, थोड़ा सा रिफ़्रेश हुए, बातें बातें करी, थोड़ी सी स्टोरी शेयर करी, मज़ा आया। माना पास और उमलिंगला वाली स्टोरी शेयर करी। तो माना पास का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत पुराना है एक्चुअली, तो उसमें सिर्फ मेरे ख्याल से म्यूज़िक वगैरह ऐड करके बनाया हुआ है, काफ़ी पहले का है, 2-2.5 साल पहले का। और उमलिंगला का आप देख सकते हैं एक ट्रेलर डाला हुआ है जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है। हो सो 130-140 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, वो भी सही स्पीड में। उतर जाओ उतर जाओ। हेलो कौन सी जगह है ये? सर पांडरकोला। पांडरकोला तेलंगाना स्टेट से पहले में जो बड़ा सिटी लगता है लास्ट। ओके सो यहाँ पर कुछ जल पान ग्रहण करेंगे हम। आइए। बैग का कोई इशू तो नहीं है? बैग का कोई इशू नहीं, सभी अपने लोग हैं। अच्छा हाँ सीरियसली बहुत गर्मी है, अभी तो शुरू हो रहा है। सो लास्ट के 125 किलोमीटर हमने कवर किए सिर्फ कितने घंटे में? सवा घंटे मैक्स। तो रोड्स बहुत ही शानदार है यहाँ के, मतलब आराम से 120-125 क्रूज हो रही थी बाइक, और गर्मी ने थोड़ी सी हालत डाउन कर रखी है। यहाँ पर रुके और ये ठंडा वंडा चल रहा है, सुनील भाई एज यूजुअल लगे हुए हैं कर्ड खाने में। दही पेट खराब है, कल पकोड़े ज़्यादा खा लिए थे उन्होंने। ज़्यादा खा लिए थे पकोड़े। मज़े मज़े रात में पकोड़े लगते हैं। हाँ पकोड़े लग गए। अभी सर आप जिस जगह पे हो ये है पांडरकोला, और ये इसीलिए फेमस है कि इस तालुके में महाराष्ट्र में अगर सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है इंडिया में, महाराष्ट्र नहीं इंडिया में, तो यहीं की है। यहाँ पे ज़्यादातर किसानों ने आत्महत्या की है, और यहाँ पे कपास भी सबसे ज़्यादा अगर महाराष्ट्र में होता होगा तो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हम हैं अभी। और यहाँ इस तो रीज़न क्या है आत्महत्या करने का? आत्महत्या करने का रीज़न यह है कि यहाँ उसको कपास को भाव नहीं मिलता है एक तो। अच्छा। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स आती है वो बीच में आउट हो जाती है, वो सबसे बड़ा रीज़न वही है। और यहाँ पे कपास ज़्यादा होने के बाद में एक भी टेक्सटाइल फैक्ट्री नहीं है, एक भी नहीं है। सो बैक ऑन रोड्स अगेन, एक अच्छा खासा ब्रेक लिया 125 किलोमीटर पर नागपुर से। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि टेम्परेचर इतना है कि ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हद से ज़्यादा गर्मी है, और जो लू है हीट स्ट्रोक वो चल रहे हैं। टेम्परेचर मेरे ख्याल से होगा 40 से 45 के बीच। ओ ओ ओ ओ घटा आ गया। हाईवे बहुत ही गज़ब के बनाए हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही गज़ब के। और यहाँ पर अगर आप देखें ग्रीनरी भी है, बैरन भी है, ऊपर से ये जो ऑरेंज कलर के पेड़ निकले हुए हैं, फूल निकले हुए हैं पेड़ों पर, क्या शानदार लग रहे हैं यार। मतलब कुछ तो डिफरेंट नज़र आया इतनी देर बाद। लग रहा है ना कितना शानदार है, गजब है यार, ये तो पूरा ही ऑरेंज कलर का पेड़ है, मस्त लग रहा है। चलो एक आध फोटोग्राफ लेते हैं फिर निकलते हैं आगे। खड़े हो जाओ इधर इस वाले पे बस। हाँ इसको पकड़ के यूँ डन डन। ये देखिए पुरुषोदा उड़ते हुए जा रहे हैं बिल्कुल। मेरी स्पीड 110 है तो वो 120 या 25 पे होंगे। पंजाबी होटल गोट्रा फैमिली। ओहो चढ़ा दो ऊपर। ओ भाई साहब वाट लग गई गर्मी 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 दादा गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। खोलो इसको। हाँ उधर ही जाते हैं अभी।
ये कैमरा आपको उसमें दिखाई देता है? नहीं, आप दिख रहे हो उसमें, आप मतलब रोड पूरी दिखाई देता है? हाँ बिल्कुल, रोड पूरा, बाद में मतलब कितना दूर चले क्या नहीं, पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे इनको लोकली कहते हैं मक्का चिप्स। मक्का चिप्स कॉर्नफ्लेक्स का है, कॉर्नफ्लेक्स जब तक यहाँ फेमस है। लवली यार, ऐसा लग रहा है वो बोलते हैं ना मैक्रोनी टाइप, हल्का हल्का। हाँ मस्त है। और फिर दोबारा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है तो हम यहाँ पे भरा रहे हैं, और हैदराबाद यहाँ से रह गया है 200 किलोमीटर बस 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 बस। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your f***ing clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. लीजिए हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद, और जन्नत हो चुकी है आबाद। क्या 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 कहाँ गए दादा? तो दादा ने स्वैप कर लिया अपनी बाइक, किससे? अपने घर से। और अब वो चला रहे हैं कावासाकी की 300 X300। चले, सो फाइनली पहुंच गए, सामान अनलोड कर दिया, थक गए, मर गए, ऐसी तैसी हो गई। राम राम। तो सदा अन्ना से मेरे ख्याल से ऑल इंडिया वाली ट्रिप में एक व्लॉग किया था मैंने हैदराबाद का, तो वो नहीं देखा तो देखना ज़रूर, है ना? देखा चार मीनार का? चार मीनार वाला।